इस वक्त हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव जी। कृषि बिल को लेकर काफी विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी, आइए जानते हैं। सर, कृषि बिल को लेकर काफी विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी, पहले कांग्रेस पार्टी ने जब कांग्रेस की सरकार थी इसका समर्थन किया था, तो ऐसा क्या है कृषि बिल में जिसका विरोध चल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने इस बिल के स्वरूप का कभी समर्थन नहीं किया। इसके अंग थे कि मार्केटिंग की व्यवस्थाओं के लिए और लोगों की भी भागीदारी लेनी है, निजी क्षेत्र में भी, तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन उसकी बुनियाद न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा तो व्यवसाय करने वाले, चाहे वो कॉरपोरेट्स हों, चाहे आढ़तियाँ हों, चाहे दुकान वाले हों या छोटे व्यवसायी हों, ये कृषि उपज का उत्पादन करने वाले किसान को भाव नहीं देंगे, रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एक तरफ किसान को भाव नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ इस कानून में आपने कह दिया है कि 100 रुपये की चीज़ जब तक 200 नहीं हो जाती सरकार कुछ नहीं करेगी, तो 200 डबल के दाम में खरीदने वाले को मिलेगा, उत्पादन करने वाले को दाम नहीं मिलेगा, बीच वाला कमाई करेगा। 100 का 200 आपने कानून में छूट दे दिया और खरीदने वाले को महंगा मिलेगा। जो अभी तक MSP लागू हुई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें अभी तक जो किसानों को फायदा वो सिर्फ 6% का फायदा हो रहा था, आधे किसानों को पता ही नहीं होता था। तो मंडी में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई उसको सुधारने, वो सुधारना ज़्यादा जरूरी है, उस पर क्या कहना है आपका? ऐसा कहते हैं कि 6% को ही फायदा हो रहा था और इसके कई पहलू हैं। आप 6% के बात में जाएंगे तो अलग अलग उत्पादों को सम्मिलित करके अगर आप आंकेंगे तो एक अलग परिस्थिति आती है। उदाहरण के लिए गेहूँ, मक्का, धान, हर राज्य अगर गेहूं का दे रहा है तो हो सकता है धान का नहीं दे रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से आप धान का MSP नहीं देते होंगे, मक्के का देते होंगे, नहीं देते होंगे, यहाँ की स्थिति है। हम वहाँ मेरे ख्याल से गेहूं नहीं खरीदते MSP में, मक्के के लिए रखा है, धान के लिए रखा है। तो जो आप आंकड़ा जोड़ते हैं वो 6% आपको दिखता है, लेकिन वहाँ का जो उत्पाद है, यहाँ धान आप कितना लगाते हो, गेहूँ कितना लगाते हो, गेहूँ पर आप दे रहे हो, हम गेहूं कितना लगाते हैं, धान कितना लगाते हैं, तो हम धान पे दे रहे हैं। तो अलग अलग राज्य के उत्पाद के हिसाब से आप देखिएगा तो बड़ा वर्ग किसान का MSP का लाभ पाता है। ये MSP के तर्क को डाउन करने के लिए कुछ चिंतनशील लोगों ने, जो इसके पक्षधर हैं कि इसको हटाया जाए, शांता कुमार जी कमेटी बनी हुई है कि MSP को हटाया जाए। 80,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों का टूटेगा अगर MSP हटेगा तो, 80,000 से 1,00,000 प्रतिशत जो भी आप कहिए वो भी जांच के दायरे में है, लेकिन सीधे सीधे राशि कितनी टूटेगी, 80,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ किसानों की अगर आप MSP को हटा देते हैं। सर, आपने कहा कि ये जो कृषि बिल आया जिसमें 3 अध्यादेश पास किए गए, ध्वनिमत से पास कर दिए गए हैं बिना बातचीत के, इसमें कालाबाजारी और जो एक जो घूसखोरी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जो डिस्प्यूट होंगे वो डिस्प्यूट लेवल पे जो उद्योगपतियों की ज़्यादा सुनी जाएगी, किसानों की भी जो गरीब होते हैं उनकी कम सुनी जाएगी, उसमें आपका क्या कहना है? कोर्ट कौन किसान जा पाएगा? मेरे पास आधा एकड़ ज़मीन नहीं है, एक एकड़ ज़मीन नहीं है, और कोई बड़ी कंपनी मेरे ऊपर केस ठोक देगी तो मैं किस वकील को रखूँगा? मेरे तो दाम नहीं मिल रहे मेरे उत्पाद के, और वकील को पैसे देने के लिए मैं कहाँ से लाऊँगा कि मैं कोर्ट कचहरी में जा पाऊँगा? जो बेसिक चीज़ है कि आपने इस चीज़ को अगर तोड़ दिया और न्यूनतम समर्थन खरीदे, कोई भी कंपनी भी खरीद रही है, इसका भी कांग्रेस यहाँ विरोध कर रही है कि ये जो सिस्टम कॉरपोरेट वाला है हम इससे सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि शोषण होगा। खरीदने वाला जिससे लेगा उसको कहते हैं एक तरह से बंधुआ मजदूर अपना बना लेगा। जमीन का मालिक कौन? मैं स्वतंत्र हूँ क्या कि अपना सामान कहीं ले जाके बेच सकता? मैं तो गया क्योंकि मैंने तो फलाने कंपनी से अनुबंध कर लिया। तो बिना पैसा लगाए जमीन का मालिक कौन हो गया? उद्योगपति हो गया, वो कॉरपोरेट हो गया। एक नया पैसा जमीन खरीदने में नहीं लगाया और मोदी जी के कानून से जमीन का मालिक हो गया हिंदुस्तान का। आप देखिए कि ये क्या खेल हो रहा है। ये बोला तो जा रहा है कि ओपन मार्केट आप कहीं भी बेच सकते हैं जाके, जहां आपको ज़्यादा मूल्य मिल रहा है वहां पे बेचिए, अगर नहीं मिल रहा है तो MSP गवर्नमेंट रखेगी, MSP को हटाया नहीं जाएगा। उसको कानून में क्यों नहीं डाल दिया आपने? जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था 2011 में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं थे, और उसमें एक बिंदु ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया था राय अपनी, कि किसान से व्यवसायी कोई भी अगर खरीदी करता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मस्ट उसको लागू कर देना था। आपने पहले बोला उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की
के माध्यम से और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रखा, तो ये क्या दर्शाता है कि आपकी मंशा नहीं है। सर लास्ट सवाल, आपने कहा था कि अमेरिका, इंग्लैंड और यहाँ जो है जो ये कृषि बिल लाया गया वहाँ लागू है ऑलरेडी, और वहाँ आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या के केस ज़्यादा बढ़े हैं, ये इसको कैसे देखा जाए? भारत में भी वही सिनेरियो पैदा होगा कि आत्महत्या के केस बढ़ेंगे, किसानों के परेशान होंगे कहीं ज़्यादा? वहाँ का आप प्रति व्यक्ति आय को देखिएगा, हमारे से 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 गुना ज़्यादा है, साल की आमदनी प्रति व्यक्ति की उतनी ज़्यादा है, तब वहाँ ये हाल है। अमेरिका में हफ्ते में 4 लोग मरते हैं, 4 किसान मरते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हर हफ्ते, वहाँ जहाँ सिस्टम है, फ्रांस में 2 व्यक्ति हर हफ्ते मरते हैं, 2 व्यक्ति फ्रांस में हर हफ्ते वहाँ उनकी मृत्यु हो रही है। अमेरिका में जैसे मैंने बताया कि सामान्य सुसाइड का जो दर है, आत्महत्या का दर है, उससे 1.5 किसानों के आत्महत्या का दर है, और यहाँ किसान के पास हमारे 86.21% को 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और वहाँ एक एक किसान के पास हजार हजार एकड़ जमीन है। तो हजार हजार एकड़ जमीन में कृषि करने वाला किसान, आत्महत्या का दर अमेरिका में 1.5 है, उनके कॉरपोरेट कंगाल हो जा रहे हैं, सरकारें मजबूर हो रही हैं कि हम कैसे दाने की उपज को बना के रखें क्योंकि सिस्टम फेल हो रहा है। फ्री मार्केट का अगर उदाहरण है तो अमेरिका से बड़ा क्या होगा, वहाँ जाके देख लीजिए क्या हालत। तो जब हम देख रहे हैं, खुले आँख से देख रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, तो किसको लाभ पहुँचाने के लिए हम यहाँ कह रहे हैं? ये किसान का लाभ इसमें होगा, उपभोक्ता का लाभ इसमें होगा, किसका लाभ होगा? वही कॉरपोरेट का। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव जी, जिनका साफ कहना है कि जो बिल, कृषि बिल लाया गया है संसद में, वो किसान विरोधी बिल है, इसको वापस लेना चाहिए। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।